हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुरासिक गेमर्स। कैसे हैं गाइस आप लोग, कैसे हैं आपके हाल चाल, कमेंट करके जरूर बताइए। और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ब्रो, क्योंकि आज आप सभी से बहुत दिनों बाद एक तो मिल रहा बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बोला था कि हम वीकेंड्स के साथ साथ इस वीक पूरा वीडियोज डालें, लेकिन किसी कारणवश हम उसको नहीं कर पाए, उसके लिए बहुत वेरी वेरी सॉरी गाइस। और आज मैं इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम फाइनली गाइस एक ऐसे इवेंट में खेल रहे हैं जो कि हमारा शेक द अर्थ, और जिसमें हमें मिलने वाला है गाइस एडोफियोसॉरस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ओपी डायनासोर है गाइस। एडोफियोसॉरस और एक और डायनासोर है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, ये दोनों का जब हम हाइब्रिड बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मतलब अटैक के मामले में सबसे पावरफुल डायनासोर होने वाला है, हमारा एम्फीबियन टाइप। तो गाइस हम इसके लिए, हम इसी डायनासोर के लिए लगे पड़े हैं हमारे शेक द अर्थ में, ताकि हम शेक द अर्थ जीत सकें। और गाइस आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी कि हम अभी डोमिनेटर लीग में हैं गाइस, डोमिनेटर लीग। अभी भी 2 दिन ऑलमोस्ट बचे हुए हैं इवेंट को ख़त्म होने के लिए, और अभी हम यहाँ पे डोमिनेटर लीग में अच्छी खासी पोजीशन पर हैं। हम अभी 50 रैंक पर हैं, और अगर आप डोमिनेटर लीग में हैं और अगर आप ये शेक द अर्थ इवेंट खेल रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कौन से रैंक पर हैं। तो गाइस इसी बात पर हम आज का गेम शुरू करते हैं। गेम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एपिसोड आपको अच्छे लग रहे हैं तो एपिसोड को लाइक करिए, और साथ ही साथ हमारे जुरासिक फैमिली को आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, और कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, यही मेरी आपसे गुजारिश है। आई होप आप इसे पूरा करेंगे, और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेते आता रहता हूँ, वीकेंड्स में हम जरूर वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पर बिना किसी ढिलाई के, बिना किसी बकवास के हम यहाँ पर आज का गेम प्ले शुरू करते हैं। सबसे पहला गेम प्ले हम करते हैं डोमिनेटर लीग में, तो चलिए बैटल स्टार्ट करते हैं। तो और आपको एक और गाइस बताना चाहूँगा कि हमने गौर को सूचस को फाइनली लेवल 20 कर दिया है। आप सभी देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर लेवल 20 हो चुका है गौर को सूचस। अभी थोड़ी देर पहले मैं गेम खेल रहा था, इसलिए सारे डायनोस अभी फिलहाल हमारे रिवाइव करने के लिए रखे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं गाइस, जो भी डायनासोर्स हैं हम उससे अच्छा खासा गेम प्ले करते हैं, वैसे हमारे पास इंडोर रैप्टर तो है ही। तो चलिए एक काम करते हैं कि हम इंडोर रैप्टर के साथ में गेम प्ले कर लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हमारे एक डायनासोर को लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम यहाँ पर लेने वाले हैं हमारे एक डायनासोर को, जो कि होगा हमारा वुल्वेरोसॉरस, और यहाँ पर इंडोर रैप्टर होगा, और साथ में पेट्रोडून होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई अच्छा खासा डायनासोर आ जाता है, मतलब एम्फीबियन, तो हमको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पेट्रोडून होना ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पर, ठीक है गाइस, मतलब इंडोर रैप्टर के लिए तो ये बच्चे हैं, छोटी बच्ची हो क्या, अब क्या ही बोल सकते हैं गाइस, मतलब ऐसे डायनासोर हमें डोमिनेटर लीग में खेलने के लिए मिल रहे हैं। ये जुरासिक गेम कर क्या रहा है गाइस, मुझे लगा था कि अच्छा खासा कोई बड़े डायनासोर होंगे, इंडोर रैप्टर के साथ में हम गेम प्ले करेंगे, इंडोर रैप्टर वर्सेस इंडोर रैप्टर, लेकिन यहाँ पे तो पूरी पिक्चर ही पलट दी इन लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं गाइस, चलिए गेम तो जीतना है हमें, लेकिन क्या हम यहाँ पे बिना किसी डायनासोर को गवाए क्या गेम जीत सकते हैं, ट्राई करते हैं, मे भी जीत सकें। आपको क्या लगता है गाइस, क्या हम बिना किसी डायनासोर को गवाए यहाँ पे गेम जीत पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में है इंडो रैप्टर, और ऑब्वियसली इंडो रैप्टर यहाँ पे पूरी तरह छोड़ने वाला नहीं है। चलिए इंडो रैप्टर को मैं लेके आता हूँ, डर रहा है भाई सामने वाला डरेगा गाइस, क्योंकि उसको पता है इंडो रैप्टर यहाँ पर है, तो वैसे भी मैं गेम हार चुका हूँ, और मुझे पता नहीं गाइस कि ये बोट लड़ रहा है या तो रियल अपोनेंट है, लेकिन इसके मूवमेंट से मुझे लग रहा है कि ये रियल अपोनेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 के 3 अटैक देते हैं, देखते हैं। और ऑब्वियसली गाइस यहाँ पे फाइनली हमने ख़त्म कर दिया है हमारे अपोनेंट को, अब तो गाइस हमारे लिए गेम जीतना हुआ और भी ज़्यादा आसान हो गया, एक तरह से पहला गेम बोरिंग गेम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर अब 2 डायनासोर है जो कि हमारे हर्बीवोरस टाइप हैं, तो इन्हें निपटाना तो इंडोर रैप्टर के लिए मतलब आग बंद करके तीर चलाने वाली बात है। चलिए यहाँ पे भी 4 अटैक मैंने दिया है,
और यहाँ पे भी हमारा अपोनेंट खत्म। ये बात देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे कितना कम से कम हेल्थ में हम यहाँ पर गेम जीतने वाले हैं। देखते हैं गाइस, यहाँ पे 6 के 6 अटैक जरूर दिया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पे हेल्थ कितनी कम होगी। ओके, यहाँ पे 2000 हेल्थ कम हो गई है, लेकिन अब फाइनली गाइस हमने यहाँ पर जो कहा वो बोल दिया। यहाँ पे बिना किसी डायनासोर गवाए हमने यहाँ पे फाइनली इंडोरैप्टर की हेल्थ मदद से यहाँ पर हमने गेम जीत लिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी है गाइस। आपको ये गेम प्ले कैसा लगा, गेम प्ले कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिले क्योंकि हमारे पास इंडोरैप्टर था ऑब्वियसली। तो यहाँ पे गाइस हम पहुँच चुके हैं 46 पर लेवल, हमारे रैंक 46 पर डोमिनेटर में, और देखते हैं क्या हमें कुछ मैजिकल कार्ड्स मिलने वाला है। नहीं, चलिए ठीक है, 500 डीएनए मिल चुका है। आप लोग देख रहे हैं ना गाइस, हमारे पास 50,000 डीएनए हो गए। लास्ट वीक ही हमने यहाँ पे 50,000 लगभग 40,000 डीएनए ख़त्म किए, लेकिन फिर भी हमारे पास 50,000 डीएनए। चलिए गाइस, यहाँ पर अगर हम किसी की अब क्या बोले, यहाँ पे हम मज़ा नहीं लेते हैं हमारी जुरासिक गेम की। हम यहाँ पे थोड़े छोटे मोटे डायनासोर लेके जाते हैं, फालतू में सामने वाले को भी डर लगेगा और हमारे डायनासोर भी यहाँ पर जैसा खेलना चाहते हैं वैसा खेल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है सुनोशोरस, और इसके बाद में मैं क्या लेके जाऊँ, इसके बाद में चलिए गॉर्गो सुचस को लेके आते हैं। गॉर्गो सुचस की पावर हम टेस्ट करते हैं अब, और लास्ट में हम लेके जाएंगे गाइस, यहाँ पे डायनासोर्स की कमी है गाइस, मतलब है ही नहीं डायनासोर, अब क्या ही बोले, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा खासा गेम खेला है यहाँ पर। चलिए एक डायनासोर को रिवाइव करना पड़ेगा मुझे। 98, ओ भाई साहब, चलिए ठीक है। 45 के साथ मैंने अल्बर्टोसॉरस को रिवाइव किया है यहाँ पर 45 बक्स देकर। देखते हैं गाइस ये फाइट कैसे होने वाली है, ज़रूर देखने वाली बात रहेगी, क्या हम जीतेंगे क्या हम हारेंगे हमें कुछ पता नहीं है। और गाइस यहाँ पर देख रहे ना, अच्छे खासा डायनासोर्स हैं, लेकिन गाइस ये भी हमारे लिए आसान वाली फाइट होगी क्योंकि यहाँ पर लिथ्रानॉक्स है। लिथ्रानॉक्स गाइस, इसका इवेंट कब आता है मुझे पता नहीं है, हमारे पास लिथ्रानॉक्स कार्ड नहीं है, साथ ही साथ हमारे साथ ट्रूडून भी नहीं है गाइस, क्या ही बोले अब। तो एक काम करिए, जब भी अगर मैं गेम प्ले नहीं कर रहा हूँ, आप अगर आपको पता है कि आप लिथ्रानॉक्स जैसे बहुत पावरफुल डायनासोर्स और ट्रूडून जैसे ओपी वाले डायनासोर्स यहाँ पे आने वाले हैं, आ रहे हैं गेम प्ले में, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बता दीजिए, किसी भी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं जान जाऊँ कि यहाँ पर ओपी डायनासोर्स आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अब क्या करूँ मैं, यहाँ पर एक पॉइंट होल्ड पर रख देता हूँ मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे हर्बीवोरस भी आता है तो हमें इतना खासा कुछ अटैक क्या बोलेंगे, इतना ज़्यादा डैमेज हमें पड़ने वाला नहीं है। चलिए गाइस यहाँ पे देखने वाली बात होगी क्या होता है। चलिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे वुल्वरोसॉरस को यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे एक अटैक भी दे दिया, अच्छा खासा अटैक पड़ा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। क्या करूँ गाइस मैं अभी भी गाइस मुझे थोड़ा सा यहाँ पर पड़ेगी ज़रूरत। एक काम करते हैं, अल्बर्टोसॉरस को एज अ फीड हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना, अल्बर्टोसॉरस को एज अ फीड हम यूज़ करेंगे। हाँ चलिए ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइम हमने ज़्यादा ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं, एज अ फीड भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस अल्बर्टोसॉरस को, क्या पता अल्बर्टोसॉरस ही गेम जीता दे। लेकिन गाइस यहाँ पे पॉइंट्स की कमी है ना हमारे पास में, तो थोड़ी यहाँ पे दिक्कत वाली बात हो जाएगी, तो शायद मुझे अल्बर्टोसॉरस को फीड का यूज़ करना पड़ेगा। चलिए एक अटैक दिया मैंने और 4 पॉइंट यहाँ पर होल्ड पर, ठीक है 6 पॉइंट, ओके। मैं इसलिए फीड की यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि चलिए ठीक है फीड यूज़ ही कर लिया तो अब क्या ही करें, ये थोड़ा मेरा डिसीजन गलत था लेकिन ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 ठीक है, देखते हैं। चलिए फाइनली गाइस यहाँ पे हमने डाउन किया है वुल्वरोसॉरस को, और फाइनली यहाँ पे ट्रूडून आ चुका है सामने, लेकिन ट्रूडून भी टिक नहीं पाएगा क्योंकि गॉर्गो सुचस है मोस्ट पावरफुल डायनासोर इन जुरासिक वर्ल्ड इन द रेंज ऑफ एम्फीबियन,
एम्फीबियन में सबसे पावरफुल डायनासोर माना जाता है गॉर्गोसूचिस। चलिए यहाँ पर 5 के पॉइंट अटैक देता हूँ मैं, और यहाँ पे गाइस हम जीत चुके हैं गेम। चलिए लगातार 2 गेम जीत चुके हैं, इसी बात पे लाइक जरूर कीजिए गाइस, क्योंकि हम यहाँ पे लगातार बिना लूज करे यहाँ पे 2 गेम जीत चुके हैं। क्या हम यहाँ पे हैट्रिक मार सकते हैं, तीसरा गेम हम जीत पाएंगे? यहाँ पे हमारी पोजीशन अच्छी खासी बढ़ती आ रही है, 35 पे हम पहुँच गए ऑलमोस्ट। भाई जुरासिक गेम कुछ तो दे दे भाई, स्पेशल कुछ दे दे यार प्लीज गाइस, मतलब हक दिया है मतलब गेम ने 45,000 क्या ही बोलूँ, हंसू की रोग है इसमें, मतलब ऐसा काम हो गया है। अरे यार चलिए 10 कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए यहाँ पर हम एक और गेम खेल लेते हैं। अब फाइनल गेम प्ले होगा, फाइनल गेम प्ले में हम गाइस हमारे प्यारे टैपोजोफेलस के साथ में हम गेम खेलते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेके जाना पड़ेगा, हमें एक अच्छा खासा ठीक है इसे हम लेके जाते हैं, और इसके बाद में लेके जाएंगे इसे, और लास्ट में हम लेके जाते हैं किसे, मैं इंडोमस रैक्स का यूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि चलिए इसे लेके आते हैं। ऑब्वियसली गाइस ये थोड़ा वीक टीम है, लेकिन टैपलोजोफेलस ऑब्वियसली शायद संभाल लेगा। आपको क्या लगता है हम ये क्या गेम जीत पाएंगे इन डायनासोर्स के साथ में? तो चलिए यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। ओपी गाइस, ओपी ओपी ओपी, ठीक है बहुत ही सही, एक पॉइंट होल्ड पर रखता हूँ मैं। थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी गाइस, वैसे हम डाउन कर देंगे लेकिन अब क्या करूँगा इसमें। चलिए ठीक है, ये यहाँ से हमने इसे डाउन कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा ओपी। चलिए बहुत ही सही, यहाँ पे मैंने डाउन किया इसे। यहाँ पे टैपलोजोफेलस को बचाना पड़ेगा गाइस, इसलिए मैं एल्बर्टोसॉरस को एज अ फीस, सॉरी एल्बर्टोसॉरस नहीं, हमारे एलंगोसॉरस का ऐसा फीड यूज़ करता हूँ मैं। चलिए ओके, यहाँ पे अटैक, यहाँ पे हमारा अपोनेंट सरेंडर कर दिया गाइस, क्योंकि यहाँ पे उसके पास चांस था हमारे को डाउन करने का। चलिए यहाँ पर बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में यहाँ पे फाइनली हमने गेम प्ले ख़त्म कर देंगे, मुझे लग रहा है। यस मुझे लगता है गाइस ये हमारा कोई अपोनेंट लाइव अपोनेंट नहीं है, ये शायद बोट है जो हमारे साथ खेल रहा है, क्योंकि ऐसे हगा हुआ गेम बोट ही खेलता है। सॉरी गाइस मैं कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ कर रहा हूँ जो कि आपको बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसे में बड़ा सख्त लौट कोई दिक्कत नहीं। चलिए लेकिन यार यहाँ में पिघल गया, क्या करूँ। चलिए ठीक है ऐसे करते देखते हैं, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए गाइस यहाँ पर हमारा अपोनेंट के पास में 2-4 पॉइंट्स हैं, हमारे पास में 1 पॉइंट होल्ड पर है। क्या करता है अपोनेंट, क्या हमें अटैक दे देना चाहिए? मुझे लगता है अभी नहीं देना चाहिए, 4 पॉइंट डिफेंस पे 1 पॉइंट होल्ड पर। चलिए बहुत ही सही, हमें टेस्ट करना चाहिए हमारा अपोनेंट को, 6 पॉइंट है यहाँ पर, बहुत ही सही। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, 6 के 6 अटैक दिया है फाइनली यहाँ पर। और गाइस यहाँ पर अब हम करते हैं हमारे अपोनेंट को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट गेम में। तो चलिए यहाँ पे फाइनली हमने हमारे अपोनेंट को यहाँ पर कर दिया है ख़त्म, और यहाँ पे हम रैंक 30 तक पहुँच चुके हैं। भाई कुछ अच्छा दे दे यार जुरासिक गेम प्लीज़, कुछ अच्छा दे दे प्लीज़। अरे यार मतलब क्या ही बोलेगा, 100 DNA दे रहा है, तुमसे ना हो पाएगा, इज्जत रखा करो गाइस हमारी, गलत बात है। साथ ही गाइस चलिए गाइस यहाँ पर आज हमने 3-3 गेम प्ले खेले, और तीनों गाइस हमने विन करी, बहुत मतलब 100% विन रिंग रेट के साथ में हमने यहाँ पे गेम प्ले किया। आपको गाइस आज का गेम प्ले कैसा लगा, इंडोरैप्टर का गेम कैसा लगा, पूछनली बात तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हमको जीतना था,
लेकिन गाइस बताइए आपको आज का गेम प्ले कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सॉरी गाइस, मैंने आपसे कुछ कुछ बातें रखी लेकिन मैं वो कर नहीं पाया। लेकिन कोई नहीं गाइस, आज के एपिसोड में मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपको भी ऑब्वियसली मज़ा आया होगा। तो चलिए गाइस, हम शेक द अर्थ इवेंट कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 2 दिन के अंदर रैंक 1 तक पहुँच सकें। उसका वीडियो भी हम जरूर लेके आएंगे, रैंक वन तक पहुँचने के लिए वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। और यहाँ पे क्लैश ऑफ टाइटन है, क्लैश ऑफ टाइटन को भी हम खेलेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेग्नोसॉरस है और हमें यहाँ पर फ्री के यहाँ पे DNA और बग्स मिलने वाले हैं, तो हम क्लैश ऑफ टाइटन को भी जरूर खेलेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स भी आने वाले हैं, आई होप अच्छे खासे इवेंट्स आने वाले हैं, बहुत सारे इवेंट है गाइस। और हम क्या कर सकते हैं गाइस, चलिए हम यहाँ पर हमारे गॉर्गो सूचर्स लेवल 20 से आपको मिला देते हैं। काफ़ी ओपी दिख रहा है ना गाइस, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये कुछ इस तरह दिखता है, यहाँ से ये कुछ इस तरह हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब इसका कलर है ना और डार्कनेस हो गया है, देखिए यहाँ पर थोड़ा ये थोड़ा सा यहाँ पे फेड दिख रहा है और यहाँ पे डार्क दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा ओपी इसका अटैक है गाइस, 1095, बहुत ही ज़्यादा ओपी। और इसका हेल्थ है 4000, जो कि काफ़ी ज़्यादा ओपी बनाते हैं एम्फीबियन के अंदर। और गाइस आपसे ही बातचीत करनी थी आपसे, आपको गेम अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ अच्छे खासा है, ठीक है हम इसे ले लेते हैं क्योंकि हमें बक्स की ज़रूरत है अभी। DNA तो हमारे पास में भरपूर पड़ा हुआ है गाइस, DNA की, ठीक है चलिए इसे भी मैं ले लेता हूँ क्योंकि DNA अभी मेरे पास में है और हम DNA मिल भी जाएगा हमें। तो चलिए गाइस इतना कुछ था और यहाँ से कुछ हमने कलेक्ट कर लिया है। आने वाले वीडियोस में गाइस हम बहुत ज़्यादा OP डायनासोर्स का यहाँ इवॉल्व करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। तो चलिए गाइस आज के एपिसोड में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।